तोक्ते चक्रीवादळ गुजरातच्या दिशेने, मात्र केरळमध्ये सर्वात जास्त फटका। केरळमध्ये समुद्र किनाऱ्यावरील इमारत कोसळली आहे। केरळमध्ये समुद्र किनाऱ्यावरील एक बंगलाच कोसळलाय। तोक्ते चक्रीवादळाचा मार्ग गुजरातच्या दिशेने। गुजरातेत राष्ट्रीय आपत्ती निवारण पथक तैनात करण्यात आलं। विमानातून मदत पथके रवाना। गुजरातच्या किनारपट्टीवर सतर्कतेचा इशारा देण्यात आलाय। मात्र ही इमारत कोसळतानाचा एक व्हिडिओ समाज माध्यमांमध्ये व्हायरल झालाय। पत्त्याच्या बंगल्याप्रमाणे हा बंगला सुद्धा कोसळला। केरळच्या किनारपट्टीवर सर्वात जास्त तोक्ते वादळामुळे नुकसान झालं। जीवितहानी इमारत कोसळल्यामुळे कुणाचीही नाही। पुन्हा एकदा हे दृश्य पहा। वाऱ्याचा वेग, घोंगावणारा वारा, वादळी वारा, तोक्ते चक्रीवादळ, यामुळे ही इमारत कोसळली। या इमारतीमध्ये कुणीही वास्तव्याला नव्हतं। अभी की स्थिति में तोते साइक्लोन मुंबई या महाराष्ट्र के वेस्ट कोस्ट से लगभग पश्चिमी दिशा में 250 से 300 किलोमीटर दूरी पर है और इसके महाराष्ट्र की तरफ आने की संभावना आज रात या कल सुबह के बाद ही होगी। लेकिन ये तूफान वेस्टर्न कोस्ट से काफी दूरी पर है, इसी वजह से इसका इम्पैक्ट महाराष्ट्र पर और जो कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें बहुत कम होगा।